कि हमने एक हफ्ते से कश्मीर प्रोंस का गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की टीम ने एक दौरा किया, जो कि कश्मीर प्रोंस में जहाँ जहाँ पे भी हमारी आबादियाँ थी या जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारी आबादियाँ हैं और इनकी मुश्किलात के बारे में, और जहाँ जहाँ पे हमारी तादाद 33% से ज़्यादा थी, उन उन जगहों में जाके हमने जायज़ा लिया और सब लोगों की ये राय रही कि साहब अगर गवर्नमेंट सही अंदाज से पॉलिटिकल रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को देना चाहती है तो इस कम्युनिटी की भी डिमांड ये है और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की भी डिमांड ये रही कि साहब जिस जगह 1947 से ले कर आज तक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक नुमाइंदगी नहीं मिली उन कॉन्स्टिट्यूंसियों को रिजर्वेशन दी जाए। हमारे साथ कुछ इस तरह की नाइंसाफियाँ हो रही हैं कि नॉन एसटी लोग जो हैं वो एसटी की सर्टिफिकेट बना के हमारे बच्चों का गला काटते हैं और उनके हकूक पर वो कब्जाना कर लेते हैं, चाहे वो नौकरी का मसला हो या कोई और भी मामला हो। और हमारी ये गुजारिश रहेगी कि गवर्नमेंट एक तो उसको बंद करे और जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट बनाए हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाए और जिन लोगों को उस मामले में आज तक जो सहूलियात हुई है वो रिकवर की जाए। और सबसे बड़ी बात जो हमारी ये है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जहाँ तक मकसद है ये हमारा आईनी हक है, हमें मिलना भी चाहिए था और अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इसमें है सीरियसली है तो इनको उन जगहों पर की जाए जहाँ पर आज तक नुमाइंदगी नहीं मिली है।